सवाल यहाँ पर है कि लोग कहते हैं हम लोगों को ज़्यादा जानवर की कुर्बानी देना है, चलता गया ऐसा। क्या एक, सवाल नंबर 15, क्या एक आदमी कई जानवरों की कुर्बानी दे सकता है? तो जवाब ये है कि हाँ, अगर किसी की बहुत तमन्ना है, वो एक से ज़्यादा जानवर की कुर्बानी देना चाहता हो तो दे सकता है। मसलन किसी घर में 50-100 लोग हैं, बड़ी फैमिली एकदम, और वो कहेंगे कि भाई हम काटेंगे और हम ही खा लेंगे, बांटेंगे क्या, जानवर ज़बह करेंगे, इतना गोश्त तो हम लोग ही हड़प कर जाएंगे, हम लोग ही हज़म कर जाएंगे, बाहर किसको क्या दें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा जानवर कुर्बान करें, तो क्या वो हराम है ज़्यादा जानवर कुर्बान करना? हराम नहीं है। सहाबी ने जो बात कही वो ये, हत्ता तबाह नास, फ़ख्र के तौर पर ज़्यादा जानवर कुर्बान करना गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी सबब से, शरई सबब से, अगर ज़्यादा जानवर कुर्बान करता है तो क्या इसमें कोई हरज है? इसमें कोई हरज नहीं है। अनस रदी अल्लाह तआला कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदही बिकबशैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बकरों की कुर्बानी देते, व अन उदही बिकबशैन, और मैं भी दो बकरों की कुर्बानी देता हूँ। इसको इमाम अल-बुखारी ने किताबुल अज़ाही में ज़िक्र किया है। मालूम हुआ कि कोई आदमी अगर एक से ज़्यादा जानवर कुर्बान करता है तो वो जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है, अच्छी बात है, अगर वसत अल्लाह ने दी तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। इसको इमाम अल-बुखारी ने किताबुल अज़ाही में रिवायत किया है।